दोस्तों आज हमारे पास एक कमेंट पहुंचा है, अभी अभी मिला है। 5 मिनट हुए हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम कमेंट को देखते हैं कि कमेंट क्या है। किरण कुमावत हमें कमेंट करते हैं, थैंक यू, मैंने अभी 30 मिनट पहले ही वीडियो देखा है और इसको फॉलो किया, सच में मुझे आराम मिला है। तो दोस्तों इनको आराम मिला है किस में? मैं 5 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, थैंक यू। तो जो किरण है जो 5 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, दोस्तों देखो 5 दिन में जो लोगों की हालत है ना, नाभि कॉडी गिरने से बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो 5 दिन से ये हमारी जो बहन है परेशान थी, इन्होंने क्या किया, जो हमारा हमने नाभि कॉडी के लिए एक बेलन का इस्तेमाल बताया है ना, तो इन्होंने वो किया है। तो बेलन का इस्तेमाल करने से 5 दिन से इनकी जो पेट में नाभि कॉडी की या गैस की समस्या थी, वायुगोला बन जाता है ना, तो वो मालिश करने से ही 1-2 मिनटों में ठीक हो गई। तो दोस्तों अगर आपको भी नाभि कॉडी या IBS या हमारे पेट में जो वायुगोला बन जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ करने से पहले ऐसी एक्सरसाइज कर लिया करो, हो सकता है आपको इसी से ही फायदा हो जाए। फायदा हो जाता है, कई बार हमारी जो बीमारी है वो पुरानी होती है, जहाँ हम दिन में कुछ ऐसा खाते पीते रहते हैं कि जो देसी नुस्खे होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, एक्सरसाइज होती है, वो असर नहीं कर पाती। तो ऐसी एक्सरसाइज आप जरूर किया करें। देखो किरण ने भी ये एक्सरसाइज की है, 30 मिनट पहले उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने फॉलो किया जैसा जैसा हमने बताया है, तो उनको बिल्कुल फायदा हो गया है। तो किरण जी क्या होता है कि जब हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पेट में वायुगोला होता है, और जब हम अपनी नसों को ऐसे एक्सरसाइज करते हैं या मालिश करते हैं, हमारे पूरे शरीर की मालिश करते हैं, तो वो वायुगोला जो होता है वो फूट जाता है। वो फूटने से हमारी नाभि अपनी जगह पर आ जाती है और गैस हमारी बाहर निकल जाती है। तो गैस ना बने इसके लिए आप सौंफ का जो इस्तेमाल है वो आप 10 से 15 दिन कर लो, आपको लाइफ में कभी भी नाभि कॉडी की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।